स्टूडेंट्स, आज आपका जीके का टर्न है जिसमें हम आपको आगे का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ टर्म का, जो कि फाइनल टर्म है आपका, और चैप्टर है 31। टॉपिक है ग्रैंड माज टेल्स। ग्रैंड मा का मतलब होता है दादी, तो दादी माँ की कहानियाँ, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अवर ग्रैंड मा हैज़ अ ट्रेजर ऑफ फेरी टेल्स। हमारी जो दादी नानी होती है ना, उनके पास में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, आपको सुनाती भी हैं और हर बार नई नई कहानियाँ हमको बताती हैं। तो ट्रेजर मतलब खजाना, उनके पास में कहानियों का खजाना होता है। फेरी टेल्स यानी कि परियों की कहानियों का, फेरी मतलब परी। तो आगे क्या लिखा है, शी टेल्स अस मैनी इंटरेस्टिंग टेल्स एंड द मोरल बिहाइंड देम। वो हमें बहुत सारी रोचक कहानियाँ सुनाती हैं और उनके पीछे जो हमको शिक्षा मिलती है, नैतिक शिक्षा मिलती है उन कहानियों से, उसके बारे में भी हमको बताती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ना कुछ कहानियाँ हैं बहुत ही फेमस हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आज आपको बता रही हूँ और आप सभी अपनी बुक में उसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वाला है स्नो वाइट एट अ पॉइजन्ड। जो स्नो वाइट थी वो बहुत सुंदर थी, उससे कई लोग जलते थे। तो उसमें ही एक स्टोरी में है कि उसको किसी ने एक सेब दिया था जो कि जहरीला था, उसमें जहर का बनाकर उसको खाने के लिए दिया था। तो आपको यहाँ पर टिक करना है एप्पल पर, यहाँ पे तीन दिए हुए हैं तो एप्पल इज़ द राइट आंसर। सिंड्रेला लॉस्ट हर डैश, ऐसे ही सिंड्रेला की एक कहानी है जिसमें कि वो एक, उसकी जो मदर होती है वो स्टेप मदर होती है, वो उसको बहुत परेशान करती है और वो उनके घर में रहती है, सारे काम करती है, लेकिन उसको कहीं जाना होता है तो वो नहीं लेके जाती। फिर कोई उसका मदद करता है, उसको चप्पल देता है, किसकी, कांच की बनी हुई और बहुत सुंदर ड्रेस, और एक रथ बना कर देता है उसको जाने के लिए। तो वहाँ पर स्लीपर कैसी पहनती है, वो ग्लास की पहनती है, उसकी कांच की होती है, तो यहाँ पर ग्लास पर लगाएंगे। थर्ड है इन द जंगल अली बाबा सॉ अ गैंग। अली बाबा 40 चोर की कहानी है, आप लोगों ने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो आप अपने मम्मी से पापा से पूछना, वो आपको बताएंगे, ठीक है। अली बाबा के साथ जो है 40 चोर होते हैं, तो यानी 40 थीव्स, थीव माने चोर, ठीक है, 40 थीव्स पर आपको राइट करना है। रपुंजल हेड अप, जो रपुंजल की स्टोरी है उसमें उसके बाल बहुत लंबे होते हैं। यहाँ पर तीन आंसर्स दिए हुए हैं, जो सही आंसर है वो है हेयर, लॉन्ग हेयर थे उसके बहुत, जिससे कि वो अपने खिड़की में खड़ी हो जाती थी तो उसके नीचे तक वो बाल आ जाते थे, ठीक है। ऐसे फिफ्थ नंबर है गुलीवर रीच्ड एन आइलैंड नेम्ड। जो गुलीवर था वो घूमने के लिए निकला और एक आइलैंड पे पहुंचा, उसका क्या नाम था, लिलीपुट। तो ये आपको लिलीपुट पर आंसर लगाना है। सिक्स है पाइड पाइपर हैड अ मैजिक। जो पाइड पाइपर था वो उसके पास में एक जादुई पाइप था जिसको वो बजाता था, जिसके पीछे पीछे चूहे आके आ गए थे, आपको वो स्टोरी भी आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो पाइप। सेवन है इन द जंगल लिटिल रेड राइडिंग हुड मेट अ, एक जो जंगल था उसमें एक लिटिल रेड राइडिंग हुड थी जो कि एक चालाक लोमड़ी से मिली थी, यानी फॉक्स से, फॉक्स पर टिक लगाएंगे। एट नंबर है अलादीन फाइंड्स अ मैजिक, अलादीन का जादुई क्या था, चिराग। तो यहाँ पर लैंप पर टिक लगेगा। इस तरीके से कुछ फेमस स्टोरीज हैं जिनके में से कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, वो मैंने आपको यहाँ कंप्लीट करा दिया है। अब आप लोग इसको अपने बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।